मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.6 और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। जय जय बनारस। कावैया का हाल चाल हो? सब मजे में ना? शुरू हो जाइए तैयार, बढ़ा लीजिए अपने रेडियो और मोबाइल का वॉल्यूम, क्योंकि शुरू हो चुका है बनारस का नंबर वन शो गुड मॉर्निंग बनारस, देश के नंबर वन रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी पर। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, आपके अपने बनारसी बाबू यानी आशुतोष के साथ। तो भैया, कल तो चाप के गुड्डी उड़ा, लैया ढूंढा, खिचड़ी गजक, सब मिलके गजब का समा बांधे। पूरे आसमान में पतंगों की अटखेलियां और बीच बीच में गूंजता भक्कटे का शोर। भले अपनी गुड्डी न हो, पर मन फिर भी मगन तो हो ही जा रहा था। वैसे खाली मंझा पाके राजा हो जाना बनारस ही जानता है। लेकिन गुरु, एक बात और है कि ये जो जिंदगी है ना, ये भी पतंग की तरह ही है, जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। वो कभी किसी को ढील देता है तो कभी खींच लेता है, कभी किसी को छोड़िया दे के बढ़ा देता है तो अगले ही पल पटक के गिरा भी देता है। हम इंसान पतंगों की तरह सोचते हैं कि आसमान में उड़ रहे हैं और वो ऊपर बैठा मुस्कुराता रहता है कि देखो इसका। खैर, मकर संक्रांति का ये पतंगबाजी का पर्व हमें यही सिखलाता है कि उड़ो चाहे जितना, मगर जमीन पर पांव टिके रहें, तभी ऊंचाई बनी रहेगी। वरना नीचे आते देर नहीं लगता, और एक बार नीचे आए ना तो फिर कोई नहीं पूछेगा कि भाई लूटे कैसे। आपकी डोर आपके हाथ में रहनी चाहिए। वो डोर क्या है? तो वह डोर है आपका मन। और पतंग क्या है? तो पतंग है आपकी अंतरात्मा। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। यानी कि मनुष्य को अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु भी है। तो भैया, बाबा विश्वनाथ के धाम में सब बाबा पर छोड़िए, मन के द्वार खोलिए और हाथ जोड़ बोलिए। जय हो, जय हो शंकरा, आदि देव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की ज्योत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो हे शंकर, भोले नाथ शंकर, लोकनाथ शंभु शिवाय शंकर। नमो नमो हे शंकर, भोले नाथ शंकर, शुभदेव हे महेश्वर। जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह।
मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय मिलोनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा शुक्रदेव हे महेश्वरा। दोस्तों, अपना शहर बनारस जो है ये एक शहर नहीं बल्कि परंपरा है, संस्कृति है। मान्यताएं यहाँ जन्म लेती हैं, सभ्यताएं विकसित होती हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि काशी बांटती है। गत दिनों काशी तमिल संगमम में इसी विषय पर आधारित एक पुस्तक जिसका नाम तिरुकुलर है का तमिल सहित 13 भाषाओं में एक साथ लोकार्पण किया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब यह संयोग ही है कि इस पुस्तक के हिंदी भाषा के अनुवादक तमिल हिंदी के विद्वान और साहित्यकार डॉक्टर एम गोविंदराजन पिछले 2 दिनों से शहर बनारस की यात्रा पर रहे, जिन्होंने तमिल के संगम साहित्य के 18 पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया है और जिन्हें तमिल का तुलसी कहा जाता है। हमने उनसे बात की और बनारस के बारे में उनके क्या विचार हैं जानने का प्रयास किया। तो लीजिए, आप भी सुनिए और महसूस कीजिए। हे प्रिय मित्र बनारसी बाबू और काशी के श्रोताओं, आप सब लोगों को डॉक्टर गोविंद राजन बहुभाषा विकास केंद्र का महासचिव तंजावुर तमिलनाडु का सविनय सादर प्रणाम। मैं कई बार काशी आ चुका हूँ। काशी और कांची दोनों का गहरा संबंध है। साहित्य से लेकर के विद्वत्ता को लेकर के काशी और कांची, नगरेशु कांची कहा जाता है, उस कांची से लेकर यहाँ के काशी तक की बात कई बार हम जान चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं, आ चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं। लेकिन हर बार काशी में आते आते एक नया अनुभव, नई अनुभूति होती है। मैं जानता हूँ कि प्राचीन काल से हमारे लोग पौराणिक विचारधारा को लेकर के आते थे, आज भी वही पौराणिक विचारधारा यानी काशी के साथ जो सांस्कृतिक संबंध होता है वो आज भी बनी रहती है। और जो लोग बाहर के यानी केवल भारत के ही नहीं विदेश से भी आने वाले लोग अपने मन में एक प्रकार का बोझ लेकर आते हैं तो काशी में आके अपना बोझ उतार देते हैं, उनका मन हल्का हो जाता है और शांति के साथ जाते हैं। और यहाँ गंगा का स्नान मात्र नहीं है और काशी विश्वनाथ का दर्शन मात्र नहीं है और नगर का वातावरण भी आजकल बहुत बदला हुआ, सुधरा हुआ, आनंददायक बना हुआ है। और ऐसा था कि एक समय पर गोधुलिया में आते जाते हैं तो बहुत घनिष्ठ आबादियों के साथ और रिक्शे में बैठ करके बहुत मुश्किल से आया जाया करते थे, लेकिन आजकल जितना आना जाना सुगम हो गया है, हमारी भक्ति का रास्ता भी बहुत सरल हो गया है और पावन यानी पुण्य कमाने का रास्ता भी बड़ा सुलभ लगने लगता है। तो इस तरह काशी में आने वाला, एक बार काशी की मिट्टी पर जो पांव रह चुका है, जो रैदास को जानता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो इस विचार से जो कोई भी एक बार आकर के काशी की माटी में अपना पैर जम रम रख चुका है तो उसे दोबारा आने की जरूरत नहीं, इतना सारा पाप धुल जाता है और उसे पुण्य मिल जाता है, ये विश्वास मेरे मन में है। इसीलिए मैं गंगा में बार बार नहीं नहाता, एक बार नहा चुका हूं। जैसे तुलसी ने कहा, तुलसी राके कहते ही निकसित पाप पहाड़, फिर भीतर आवत नहीं दे तुम कार की वार। इस ढंग से एक बार गंगा में स्नान कर चुका तो मेरा सारा पाप धुल गया, फिर आगे कभी उसे नहीं है। तो इस प्रकार के अखंड और स्थायी विश्वास के साथ रहने वाले मेरे जैसे बहुत सारे तमिल भाषियों को मैं जानता हूं, खास करके काशी तमिल संगमम में आए हुए जितने लोग, जिनको यहां आने का अवसर ही जिंदगी में कभी नहीं मिल पाएगा, ऐसे लोगों को भी ऐसा अवसर मिला काशी तमिल संगमम में। ऐसे मैं जानता हूं 2500 लोग यहां पर आए, उन लोगों का स्वागत करके उनके पूरे सत्कार करने का मौका मुझे प्रयागराज में मिला, तो उन लोगों की मानसिकता को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं कि वे लोग कहते थे काशी में आने का जन्म फल हमारा हो गया, जिंदगी में सोचते थे नहीं कभी नहीं आ सकते, लेकिन आज इस प्रकार आने का मौका मिला एक काशी तमिल संगमम के द्वारा। इस प्रकार
गरीब लोग भी यहाँ पर आने का मौका मिला। तो ऐसे गरीब से लेकर अमीर से लेकर जो कोई भी हो, यानी कर्म सबके साथ लगा हुआ, गरीब हो या अमीर, कर्म तो सबके साथ है। और कर्म को दूर करके पुण्य कमाना तो पड़ता ही है, ये हमारे हिंदू सनातन धर्म का विश्वास है। इसलिए काशी में आए, मैं भी ये लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप लोग काशी में आते रहें और अपना पुण्य कमाते रहें। मैं आशुतोष जी को आभार व्यक्त करते हुए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि काशी पधारें। काशी आजकल बहुत परिवर्तन हुआ है, काशी में केवल काशी में आना जो है काशी बनारस के लिए नहीं है, काशी विश्वनाथ जी के लिए, अन्नपूर्णी माता के लिए और उनके दर्शन के लिए यहाँ पर आते रहेंगे। और काशी में आना आजकल सुलभ हो गया, सारी सुविधाएं आजकल बहुत मिल रही हैं। तो आने जाने की सुविधा, होटल की सुविधा और अन्य भोजन की सुविधा अब जिस तरीके से हम चाहते हैं, और खास करके महिलाओं के लिए कांजीपुरम साड़ी से बढ़कर के यहाँ के काशी की चंदोली की जो साड़ियाँ होती हैं उसके लिए भी आप लोगों को काशी की तरफ आना चाहिए कह करके ये मौका जो हमको मिला उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे हिंदी तमिल भाषा के साहित्यकार डॉक्टर एम गोविंद राजन जी को। हमसे बात करने और अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आइए श्रोताओं, अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसका रहता है आप सबको बेसब्री से इंतजार और जिसका नाम है आज का मोहल्ला। तो भैया, हमारा आज का मोहल्ला नहीं बल्कि मोहल्ले हैं, यानी कि पटनी टोला और गोलाघाट। नगर निगम के चौक वार्ड में पटनी टोला और गोलाघाट दो मोहल्ले आपस में इस प्रकार ही मिले हैं कि इनका अध्ययन करने के लिए इन्हें एक साथ लेना ही उपयुक्त जान पड़ता है। एक दूसरे से परस्पर सटे हुए इन मोहल्लों में जहां पटनी टोला में ऐतिहासिक घाट और मंदिर हैं, वहीं गोलाघाट में पौराणिक देवस्थान है। इन मोहल्लों में जाने के लिए आपको ठठेरी बाजार, लक्की चौतरा, संगठा मंदिर और रामघाट अस्पताल की ओर से सकरी गलियों के रास्ते हैं। और घाट के रास्ते यदि आप जाना चाहते हैं तो मेहता घाट और गणेश घाट के बीच बनी हुई सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर भी यहां जाया जा सकता है। पटनी टोला मोहल्ले के पूर्वी तट पर वर्तमान गणेश घाट का पूर्व नाम अग्निश्वर घाट था, जिसका निर्माण बाजीराव पेशवा ने कराया था। इसी घाट के ऊपर अमृत विनायक नाम के गणेश जी का एक भव्य मंदिर है, जिसकी स्थापना सन 1807 में अमृत राव पेशवा ने की थी। अमृत विनायक गणेश जी और उनके वाहन मूसक की मनोहारी प्रतिमा के संदर्भ में मंदिर के वर्तमान प्रबंधक ने बताया कि ये प्रतिमाएं लाल रंग के इटालियन संगमरमर से बनी हुई हैं, लेकिन इन्हें देखने से मूंगे का भ्रम होता है। मूर्तियों की इस विशेषता के कारण क्षेत्रीय जनता इन्हें अमृत विनायक न कहकर मूंगा गणेश के नाम से ही जानती और पहचानती है। यहाँ शनि का एक अति प्राचीन वृक्ष है, जिसकी विजयदशमी के दिन पूजा होती है। पटनी टोला मोहल्ले में ही भोसले घाट के ऊपर लक्ष्मी नारायण का एक ऐतिहासिक मंदिर और शिवालय है। नागपुर के भोसले महाराजा ने भोसले घाट का निर्माण कराया था, जिसकी संरचना बेहद सुदृढ़ है। इसका प्राचीन नाम नागेश्वर घाट था। यहाँ के मंदिर में भगवान नारायण के दोनों पार्श्वों में उनकी दोनों पत्नियां भूदेवी और श्री देवी विराजमान हैं। सन 1990 तक यहाँ प्रतिदिन प्रातःकाल महामहोपाध्याय पंडित विश्वनाथ शास्त्री दातार जी कथा कहा करते थे। उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक श्रीमद् भागवत और गीता पर अपने व्याख्यान यहाँ पर दिए, और जिसे सुनने के लिए काशी के संभ्रांत नागरिक श्री सूरज प्रसाद चौधरी और केशरी नंदन रस्तोगी जैसे श्रोता हमेशा आते रहे। वाराणसी में श्रोताओं आपको बताएं कि गंगा महल नाम से दो घाट हैं, जिनमें से एक पटनी टोला में उसके नीचे है। इस घाट पर बने भवन और मंदिर का निर्माण 1864 में ग्वालियर स्टेट के महाराज जीवाजी राव शिंदे ने कराया था। ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर महाराजा ने अपने गुरु श्री तारकाश्रम महाराज के विशेष आग्रह पर बनवाया था। कहा जाता है कि गुरुवर तारकाश्रम जी महाराज बेहद सिद्ध पुरुष थे। जब वे भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में समाधिस्थ हो जाते थे तो उन्हें भगवान का साक्षात दर्शन होता था, और मूर्तिकार शिल्पियों के औजार स्वयं ही भगवान के उसी रूप को पत्थरों पर उत्कीर्ण करने लगते थे जो ध्यानस्थ गुरु जी को दिखलाई पड़ता था। यहाँ प्रतिवर्ष जन्माष्टमी पर वार्षिकोत्सव मनाया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान का मक्खन से श्रृंगार होता है।
तो ये थी गोला घाट और पटनी टोला मोहल्ले के बारे में जानकारी। हालांकि भी इस मोहल्ले का विस्तार बहुत है, इस विषय पर हम अभी अपने अगले एपिसोड में भी बात करते रहेंगे। तो भाई ये था आज का मोहल्ला और अब बातें गुजरे हुए कल की। श्रोताओं आपको बता दें कि आज ही के दिन वर्ष 2003 में भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना हुई थी। आज है भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के जनक चिकित्सक और वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय, सुप्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेता कबीर बेदी, फिल्म अभिनेत्री और टीवी कलाकार कामिनी कौशल और सुप्रसिद्ध संगीतकार ओपी नैयर का जन्मदिन। साथ ही आज है बांग्ला के अमर कथा शिल्पी और सुप्रसिद्ध साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय और प्रसिद्ध राष्ट्रवादी समाज सुधारक और विद्वान महादेव गोविंद रानाडे की पुण्यतिथि। और अब बातें आजकल की। दोस्तों आज यानी 16 जनवरी को है नेशनल स्टार्टअप डे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 2022 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। उन्होंने भारत के लिए इनोवेशन और भारत से इनोवेशन का मंत्र भी दिया। इस दिन को मनाने का उद्देश्य देश के भीतर इनोवेशन पर जोर देकर नए स्टार्टअप्स को भविष्य की जरूरतों के लिए कार्य करने को प्रेरित करना है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि यूपी SSSC द्वारा आयोजित PET 2022 परीक्षा का परिणाम आज घोषित किए जाएंगे, जिससे समूह ग के पदों पर रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। और अब बातें अपने शहर बनारस की। श्रोताओं बनारस में पिछले पखवाड़े से बंद स्कूल और कॉलेज आज से खुल जाएंगे। DM S राजलिंगम के आदेश के अनुसार 16 जनवरी से स्कूल सुबह 10 से दोपहर 2 बजे की पाली में चलेंगे। जिले में कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों में 29 दिसंबर से लगातार छुट्टियां चल रही थीं, लेकिन अब इन स्कूलों को खोलने का आदेश जारी हो चुका है। साथ ही आपको बताएं कि संपूर्ण आनंद संस्कृत विश्वविद्यालय में PhD आवेदन की तिथि 19 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है। गंगा उस पार टेंट सिटी में रेत की चमक पर अब मेहमानों की धमक होने लगी है। कल से टेंट सिटी का संचालन सुचारू रूप से आरंभ हो गया और काशी के साथ ही साथ झारखंड और भी अन्य राज्यों के रहने के जो हमारे यात्री थे वे यहाँ पर आए हैं और उनका स्वागत सत्कार किया गया और धीरे धीरे अब टेंट सिटी में हलचल बढ़नी शुरू हो गई है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि आज नेशनल स्टार्टअप डे है, तो एक और गुड न्यूज बनारस में आ रही है कि BHU के सेंटर फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर में कार्यरत विज्ञानी डॉक्टर गरिमा जैन के स्टार्टअप को केंद्र सरकार के अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर के अंतर्गत अनुदान दिया गया है। यह प्रतिष्ठित योजना सरकार के केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवोन्मेष के लिए आरंभ किया था। कैंसर जीनोमिक्स में विशेषज्ञता रखने वाली डॉक्टर जैन ने मिरनाऊ नामक स्टार्टअप शुरू किया है। तो वही ये थी गुड मॉर्निंग बनारस की गुड गुड न्यूज और अब मौसम का हालचाल भी आपको बताते रहे। तो आपको बता दें कि हिमालयन रेंज से चला कोल्ड फ्रंट अब अपने शहर बनारस में आ चुका है। जैसा कि पूर्वानुमान भी था अब ठंड दोबारा वापसी कर चुका है और 18 जनवरी से बदली और बारिश के आसार भी बन रहे हैं। तो आप सब सावधान रहें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, शरीर को प्राकृतिक रूप से गर्म रखने वाले पदार्थ जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, कॉफी, केला, ड्राई फ्रूट्स और शकरकंदी का सेवन करें। तो भैया अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि बनारसी बाबू निकलने का समय हो रहा है। तो भैया मस्त रहा, मस्त करा। 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। तो या जय जय बनारस।